नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामेश्वरनाथ चौरसिया, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। आज हम लोग एक मस्तिष्क की बीमारी के बारे में जानेंगे, जिसको कि हम लोग आम भाषा में मिर्गी कहते हैं। मिर्गी एक प्रकार की दिमाग की बीमारी है, जो कि हमारी मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं, वो अगर उसमें जो विद्युत तरंगे हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब कि अगर हम वो कंट्रोल के बाहर हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करना, तो जिसके फलस्वरूप ये बीमारी उत्पन्न होती है शरीर में। और ये विद्युत तरंगे सामान्यतः तो कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन जब भी इस तरीके से अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो ये बीमारी हम लोग को हो जाती है, किसी को भी हो सकती है ये। इसके बहुतायत ही मरीज हैं। अगर हम लोग देखें आंकड़ों पे, तो आंकड़े जो कहते हैं कि अगर विश्व में देखें, तो करीब करीब पूरे विश्व में 5 करोड़ लोग इससे ग्रसित हैं। और हमारे इंडिया में, जो कि 1 अरब की आबादी के ऊपर है, अगर देखा जाए आंकड़ा, तो लगभग 60 लाख से 1 करोड़ के करीब इस मिर्गी के मरीज हैं हम लोग के देश में। तो ये बहुत ही आम बीमारी है एक तरीके से। और ये अगर हम लोग प्रकार पे जाएं इसके, तो इसके बहुत सारे प्रकार होती हैं। और इसके अगर लक्षणों पे जाएं, तो लक्षण में भी कई प्रकार के लक्षण हैं। ये इस बात पे आधारित है कि ये किस ब्रेन के किस भाग से उत्पन्न हो रहा है, उस पे आधारित है कि ये कितने प्रकार का होता है। और एक तो है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ब्रेन से अगर उत्पन्न हो रहा हो, तो उसको हम लोग फोकल सीजर कहते हैं या फोकल एपिलेप्सी कहते हैं। और अगर पूरे ब्रेन को इन्वॉल्व कर लेता है, तो उसको हम लोग जनरलाइज्ड एपिलेप्सी या जनरलाइज्ड सीजर कहते हैं। ये इसके कारणों पे अगर जाए हम लोग, तो कारण भी बहुत है। ये कारण जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं। लक्षण जैसा कि हमने बताया कि अगर एक ब्रेन के एक भाग से उत्पन्न हो रहा है, तो उसको हम लोग फोकल सीजर कहते हैं। तो ये जिस पार्ट से उत्पन्न होता है, आधारित है कि उस प्रकार का लक्षण दिखेगा। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग को पहचानने में थोड़ा आसानी होगी। और इसके कई स्टेज होते हैं, प्रारंभिक स्टेज, मध्य भाग और लेट अवस्था, जिसमें कि हम लोग प्रारंभिक भाग में कहें तो अगर देखें, इसमें ऑरा एक होता है या चेतावनी के रूप में कुछ लक्षण हम लोग को आते हैं, जिसको हम लोग ऑरा कहते हैं, जिसमें से कि ये किसी भी प्रकार कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अचानक किसी एबनॉर्मल सुगंध होना, मतलब कि किसी भी प्रकार का गंध जो मरीज को अचानक महक आने लगती है, बेचैनी हो सकती है, घबराहट हो सकती है, उसके साथ साथ आंखों के सामने कुछ अंधेरा छा जाना है, या फिर धुंधला दिखाई दे सकता है कुछ, उसके बाद बेहोश हो जाना। और इसमें कभी कभी मिचली उल्टी से शुरुआत होती है, या फिर कभी इसमें एक ही पार्ट से, जैसे कि केवल एक ही अंग फड़कना, जैसे हाथ वो फड़कने लगा, चेहरे पे कुछ फड़कन महसूस होने लगे, या फिर कहीं पैर से फड़कन महसूस होने लगे, जो कि वहीं तक लिमिटेड हो जाए और कुछ देर बाद ख़त्म हो जाए। तो ये कई प्रकार के हो सकते हैं। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है, जिसमें कि मध्य अवस्था हम लोग देखें, तो इसमें मरीज अचानक आवाज़ निकलती है, बेहोश हो सकता है मरीज, किसी एक पार्ट से या दोनों हाथ पैर में ऐठन या कंपन होना शुरू हो जाता है, गर्दन एक तरफ टेढ़ी हो सकती है, आँख मरीजों के ऊपर जा सकती, ऐसे उलट सकती है, या फिर मरीज कभी कभी केवल एकदम एक टक आपको देखता रहेगा, सामने देखता रहेगा, आप उससे कुछ बात करेंगे तो कुछ जवाब नहीं देगा थोड़े देर के लिए, या फिर केवल आंखों की पुतलियाँ ऐसे ऐसे फड़कती हैं। तो ये कई प्रकार के होते हैं झटके, और मरीज इसमें बेहोश भी हो सकता है और बेहोश नहीं भी हो सकता। और जब लेट अवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं कि लास्ट स्टेज में, जब मरीज होश
बेहोश हो जाता है, उसके बाद जब होश में आता है तो भी कई प्रकार की दिक्कतें महसूस कर सकता है, जैसे कि सिर में दर्द होना, कमजोरी आना, थोड़ी देर के लिए उसकी मेमोरी जो याददाश्त है वो खो जाना, या फिर उल्टी होना और बहुत ही कमजोरी महसूस करना, ये कई प्रकार की चीज़ें हैं। और अगर कभी कभी होता है कि मरीज इतने अचानक ये आता है और गिर जाता है तो उसको चोट भी लग सकती है, और चोट लगने के फलस्वरूप उसको खून वगैरह भी बह सकता है बगल में, जीभ कटने की वजह से मुंह से खून गिर सकता है, बहुत ज़्यादा मुंह में थूक अगर आती है तो वो झाग के रूप में थोड़ी देर में बाहर निकलती है। ये सारे लक्षण हैं जो मिर्गी के। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अपने आप ही बिना मकसद के मरीज इधर उधर घूमता रहता है, टहलता रहता है, ये भी एक प्रकार की मिर्गी है जो हम लोग देखा करते हैं। और अगर बात करें हम लोग कारणों की कि क्या कारण होते हैं, तो अलग अलग उम्र में अलग अलग कारण होती हैं, और अलग अलग स्त्री पुरुष हैं तो उसमें भी कुछ डिफ्रेंसिएशन अलग अलग कारण होते हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग बचपन से शुरुआत करें, ये हालांकि हो किसी भी एज में सकता है, बाल्य पैदा होने से लेकर के लेट स्टेज बूढ़ों में किसी भी स्टेज में हो सकता है। तो जैसे अगर मरीज बच्चा पैदा होने के फलस्वरूप अगर किसी प्रकार से उसको डिलीवरी में दिक्कत आई, चाहे ऑक्सीजन की कमी हो गई हो, या फिर किसी प्रकार की उसके सिर में चोट हो गई हो, या फिर किसी प्रकार की इन्फेक्शन जो कि मदर के भ्रूण में जब बच्चा था तभी से अगर कोई किसी प्रकार का संक्रमण है, तो इस प्रकार से उसको शुरुआत से ही झटके शुरू हो सकते हैं। और जैसे जैसे उम्र गुजरती है वैसे वैसे कुछ न कुछ अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कि गांठ हो जाना। जैसे अगर एक बहुतायत में हम लोग के जो देश है उसमें देखने को मिलता है कि या तो टीबी का गांठ हो जाता है ब्रेन में, या फिर एक टेपवर्म होता है उसका लार्वा ब्रेन में चला जाए तो उसकी वजह से भी झटके आने लगते हैं, और खून बह जाना, रक्तस्राव हो जाना ब्रेन में, या फिर किसी जो कुछ रक्तवाहिनी होती हैं जो बहती हैं वो असामान्य रूप से अगर डेवलप हुआ हो, विकास हुआ हो, तो उसके वो भी उसके कारण भी झटके इस तरीके से आते हैं, या फिर गंभीर चोट लगी हो किसी को, या फिर कभी कभी कुछ सोडियम जो हम लोग के शरीर में होती है उसका अचानक से शरीर में अगर कम हो जाना है, या फिर शुगर बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाना, दोनों कंडीशन में इस तरीके से मिर्गी आ सकते हैं। ये अलग अलग कारण के ऊपर आधारित है कि आप इलाज कैसे करेंगे। और अगर हम इलाज के बारे में देखा जाए, निदान क्या है, इस तरीके के मरीज आते हैं डॉक्टर के पास तो पहले उनकी कुछ ब्लड की जांच हो सकती है जो कि महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कि सोडियम या फिर शुगर की जांच हो गई। और कभी कभी ये जो कारण में गुर्दा फेल हो जाना भी आता है, या फिर लीवर का फेल हो जाना होता है, तो इसमें जो टॉक्सिन पदार्थ होते हैं बॉडी में उसको गुर्दा या लीवर के थ्रू शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है छान के, लेकिन अगर फेल है तो ऐसा नहीं होता तो वो शरीर में इकट्ठा होते हैं, तो वो ब्लड की जांच में हम लोग को मिल जाएगा कि गुर्दे में जो खराबी उसके कारण है या लीवर में खराबी है उसके कारण है। दूसरा हम लोग सीटी स्कैन या फिर MRI ब्रेन कराते हैं जिसमें कारण जानने की कोशिश करते हैं, और एक और होती है EEG जांच, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जिसमें देखते हैं कि किस प्रकार का झटके जो तरंगे है नॉर्मल तरंगे जो आउट ऑफ कंट्रोल होती है वो किस प्रकार के हैं, एक पार्ट से ब्रेन के अराइज हो रहा है या फिर दोनों साइड से अराइज हो रहा है, इसमें कई प्रकार की जानकारी हासिल होती है। रही उपचार की बात, उपचार में मिर्गी एक ऐसी रोग है, बाकी जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, शुगर की बीमारी होती है, ऐसे ये भी बीमारी है, तो इसका भी निदान बहुत अच्छे से है, और दवा जो कि मिर्गी रोधक दवाइयाँ हैं वो बहुत ही, पहले तो कुछ दवाइयाँ ही थी, अब तो बहुत सारी दवाइयाँ प्रकार की दवाइयाँ हो गई हैं जो कि आसानी से मिर्गी को कंट्रोल कर सकते हैं। और सिर्फ दवा के बलबूते
80% 80% जितने भी मिर्गी होते हैं, चाहे जितने भी प्रकार के, वो कंट्रोल में हो जाते हैं। 20% में ही ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि कभी कभी सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। वो डिपेंड करता है कि कारण क्या है मिर्गी का। और कुछ हम बात करना चाहेंगे दवा के विषय में कि दवा सस्ती भी है और कुछ दवाइयाँ महंगी भी है, तो दोनों प्रकार की है। और ये अफोर्डेबल है, सभी लोग इसको, इसका जो कॉस्ट है, खर्च है, वहन कर सकते हैं। हम कुछ बातें करना चाहेंगे कि जैसे अगर मिर्गी का झटका आप कहीं किसी को आता हो आपके परिवार में, फैमिली में, या फिर जहां आप काम कर रहे हैं आपके किसी सहपाठी, सहभागी या कलीग को आ रहा हो, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को करना चाहिए, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करना चाहिए। तो अगर आप मरीज आपके घर में खुद ही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कभी भी इस तरीके से अगर झटके आते हैं तो आप घबराएं ना। पहली बार मरीज को पकड़ के एक करवट लिटा दीजिए। करवट लिटाने के पश्चात आप देखिए अगल बगल कोई इस तरीके से धार धार कोई चीज़ ना पड़ी हो, जैसे चाकू हो, पत्थर हो, जो हटा दीजिए आप, नहीं तो मरीज को चोट लग सकती है। इस ये बहुत ही क्षणिक होता है और ये स्वतः ही 1 से 2 मिनट 3 मिनट के बाद रुक जाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, करवट निकाल दीजिए ताकि जो भी लार बन रहा है उसके मुंह में वो बाहर एक साइड से गिर जाए, अन्यथा पीछे जाएगा तो ये फेफड़े के रास्ते जा सकता है और सांसें रुक सकती हैं मरीज की। दूसरा, खून भी बहता है, कभी कभी जीभ कट जाती है तो खून बहता है, तो वो भी साइड में एक तरीके से गिर जाएगी। आप उसको कभी भी मुंह में चम्मच मत डालें, कपड़ा न ठूसें, चप्पल न सुंघावें और नाक न दबावें। ये मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं, इसलिए इस तरीके की चीज़ें कभी ना करें। किसी भी मिर्गी वाले मरीज को अगर जब ये ठीक हो जाते हैं तो उनको कुछ दिनों के लिए रिस्की काम नहीं करने होते, जैसे कि ड्राइविंग, स्विमिंग या फिर कुकिंग। अगर ये सब कर रहे हैं तो किसी को बता के, किसी के निरीक्षण में करें तो अच्छी बात है। दवाइयों के विषय में हम कुछ कहेंगे कि दवा, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं दवा, एक सबसे कम मात्रा से स्टार्ट करते हैं, उसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं और जिस मात्रा पे झटका रुक जाता है कम से कम मात्रा पे, उसी मात्रा पे उसको हम लोग छोड़ देते हैं और वो रेगुलर उसी दवा को यूज़ करते रहें, अपने डॉक्टर्स को फॉलोअप में दिखाते रहें। और जब बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप अपने जानकारी रखना चाहेंगे इस बीमारी के बारे में, जैसे कि हम स्त्री में एक समस्या होती है कि स्त्री लेडी है, अगर स्त्री है तो स्त्री में गर्भनिरोधक गोली अगर यूज़ करना चाहें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें क्या करना है, कौन सी दवा चल रही है उसकी, क्योंकि ये गर्भनिरोधक गोली और जो मिर्गी रोधक दवाइयां हैं आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो एक दूसरे के असर को कम कर सकते हैं। कब करना है प्रेगनेंसी, कब नहीं करना है, पहले सलाह लें, क्योंकि कुछ मिर्गी की दवाओं का भ्रूण पे जो बच्चा पेट में आएगा उस पर दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। तो ये कुछ सावधानियां हम लोग को खास करके महिलाओं में लेना। बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो हम लोग समाज में जानते हैं, हालांकि ये बीमारी 3000 साल पूर्व पहले ही कई बार बहुत सी जगह पे इसका वर्णन किया गया है, फिर भी आज तक ये समाज में एक तरीके की इसकी, इस बीमारी बारे में इतनी गलत धारणाएं हैं जो हम लोग को करेक्ट करना चाहिए और ऐसे मरीजों का हेल्प करना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या इस बीमारी का, इस बीमारी में बुद्धि कमज़ोर हो जाती है, तो मैं कहूँगा कि अगर कुछ कंडीशन को छोड़ दीजिए, जैसे कि जो मिर्गी बचपन से ही शुरुआत हो जाती है जन्म के बाद से ही, जिसमें कि ब्रेन को डैमेज काफ़ी होता है, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी से हो या किसी तरीके से डिलीवरी में चोट की वजह से हो या फिर
शुगर की कमी की वजह से हो गया हो, इस तरीके से बच्चे को छोटेपन से झटके आते हैं, तो इसमें थोड़ी सी बुद्धि कम हो सकती है। अन्यथा बाकी अगर प्रकार बाकी प्रकार की जो मुर्गियाँ होती हैं उसमें देखा जाए तो बुद्धि की कमी नहीं होती है। सामान्य जीवन जैसे एक नॉर्मल बिना मिर्गी वाला आदमी जीता है, वैसे ही वो भी एक सामान्य मरीज है, जो कि सामान्यतः शादी के पहले पढ़ाई लिखाई से लेकर के जॉब तक सब कुछ सामान्यतः वो आदमी कर सकता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और बहुत लोग सोचते हैं कि ये एक श्राप है, भगवान के द्वारा दिया गया श्राप है, तो ऐसी बात नहीं है। ये एक सामान्य प्रकार जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी है, वैसे ही मिर्गी भी एक प्रकार की बीमारी है जो कि ब्रेन से उत्पन्न होती है, तो इसमें कोई श्राप नहीं है या फिर कोई भूत प्रेत नहीं है। तो आप अगर देख रहे हो कहीं समाज में अपने अड़ोस पड़ोस, तो इस तरीके से उनको तुरंत अपने जो भी पास में डॉक्टर हो इसके, चाहे वो फिजिशियन हो, उनको तुरंत दिखाएं और इसका इलाज करें, और उनकी सलाह को बराबर समय समय पे आप लेते रहिए और करते रहिए। और इसमें हम कुछ बातें बताना चाहेंगे, जैसे कि बहुत से इस तरीके से मरीज होते हैं जो कि दवा कुछ दिन करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, चाहे वो कारण कुछ भी हो, उनको बाद में बहला दिया जाए कि ये तो झाड़ फूक से ठीक हो जाती है, या फिर किसी और पैथी में चले जाते हैं, जो कि बाद में कभी कभी मरीज और ख़राब हो जाता है और जान भी इसमें कभी कभी चली जाती है। इसमें प्रकाश डालना चाहेंगे कि मिर्गी के कुछ उत्तेजक घटक होते हैं, जैसे कि जिसको हम लोग ट्रिगर या प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स भी कहते हैं, जैसे कि दवा समय पर ना लेना, नींद का कम आना, किसी नशीले पदार्थ का सेवन करना जिसमें कि शराब बहुत कॉमन है, बहुत ही तनावग्रस्त या थके हुए हों, ये सारी कारण हैं जो कि मिर्गी अगर मरीज को है तो ये बढ़ा देते हैं, जिससे कि जल्दी जल्दी झटके मरीज को आने लगते हैं। और हम इसमें कुछ गलत धारणाओं के बारे में और भी बताना चाहते हैं आप लोगों को, कि जैसे कि बहुत लोग हमसे पूछते भी हैं कि क्या ये बीमारी ठीक हो जाती है, जड़ से चली जाती है, तो मैं उन्हें यही बताता हूँ कि अगर मिर्गी का कारण जो है इस पे आधारित है कि वो जड़ से जाएगी कि नहीं। सभी मिर्गी में ये ज़रूरी नहीं कि जीवन भर दवाइयाँ चले, कुछ ही मिर्गी हैं जिसमें जीवन पर्यंत दवाएं चलती हैं, और कुछ का मिर्गियाँ हैं जिसमें कि कुछ लिमिटेड पीरियड समय के लिए दवा का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद फिर दवा को हटा करके देखा जाता है। नॉर्मली हम लोग कोशिश करते हैं कि 2 से 5 साल तक जनरलाइज एपिलेप्सी में देखते हैं, अगर कंट्रोल रहता है मरीज, बीच में एक बार भी झटका नहीं आता है, तो धीरे धीरे दवा को कम करते हैं। और कुछ सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनके बाद में उनको दवा बंद करने के बाद भी जीवन में कभी झटके नहीं आते। कुछ कारण जैसे कि हमने बताया कि टीबी का गांठ अगर ब्रेन में है, या फिर टेपवर्म का लार्वा अगर ब्रेन में चला गया है, तो इसकी भी दवा तभी तक होती है जब तक कि गांठ रहे ब्रेन में। अगर 6 महीने 9 महीने बाद अगर दवा टीबी की चलाने के बाद 9 महीने या इससे ज़्यादा ही दवा चलाते हैं ब्रेन के केस में, तो अगर चलाने के बाद अगर टीबी का गांठ गायब हो जाता है तो फिर दवाइयां हम लोग झटके की भी बंद कर देते हैं टीबी की दवा के साथ साथ। और जैसा कि टेपवर्म वाले में हमने कहा कि 6 महीने में हम लोग फिर से सीटी स्कैन दवा देते हैं शुरुआत में, और 6 महीने के बाद फिर से स्कैन रिपीट करा के देखते हैं, अगर उसमें लार्वा का जो गांठ था वो अगर गायब हो गया है तो फिर हम लोग दवा धीरे धीरे बंद कर देते हैं। ये कुछ जानकारी थी मिर्गी के बारे में, और मैं इन्हीं सभी शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।